नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आज्ञाराम है। आज मैं आपको बच्चों में फीवर ये टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि बच्चे को फीवर है कि नहीं है। अगर बच्चे को फीवर है तो टेम्परेचर कैसे चेक करना है वो भी पता होना चाहिए। आप घर में एक डिजिटल थर्मामीटर जरूर रखिए और इसको ऑन करते हुए आपको एक साउंड आएगा। उसके बाद में ये एक्जिला रीजन आप अंदर से काख में रख लीजिए। कुछ देर बाद में साउंड आएगा, आप चेक करिए बच्चे को कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि बच्चे को फीवर क्यों आता है या क्यों होता है। पहला है इन्फेक्शंस, ये वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी फीवर होता है। दूसरा है पोस्ट वैक्सीनेशन, टीका लगाने के 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर फीवर आता है। तीसरा है ऑटोइम्यून डिसीज, चौथा है डिहाइड्रेशन, फिफ्थ है, पांचवा है ड्रग। तो ये पांचों रीजन में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है बच्चों में और ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर घर में एक बच्चे को फीवर हुआ है, उसके कांटेक्ट में दूसरा बच्चा आता है तो उसको फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है, उसको बहुत जल्दी से फीवर होता है। और अगर बच्चे को खाली फीवर है, बच्चा एक्टिव है, खा रहा है, पी रहा है, तो पेरेंट्स को कोई ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, 2 डेज में ठीक हो जाता है। बट अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, जैसे 102, 103, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है, लूज मोशंस है, बच्चा टायर्ड है, ऐसे में बहुत केयरफुली रहना है। आप क्या क्या करना है, कैसे करना है, बच्चे को कैसे केयर करना है बताएंगे। आप बच्चे को कंफर्ट में रखिए, ढीला कपड़ा पहनाएं, बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें, थोड़ा लाइट सा खाना खिलाते रहें, बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। बच्चे को हाई फीवर है तो स्पंज बाथ, कॉटन के कपड़े पानी में भिगो के उसके सर पे पोछें और बॉडी को पोछें ताकि उसका टेम्परेचर कम हो। और आपके डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयाँ का नियमित रूप से सेवन करें और हर 6 घंटे में, 8 घंटे में टेम्परेचर चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट्स को जानना कि सेल्फ मेडिकेशंस प्लीज ना दें। सेल्फ मेडिकेशंस जैसे आप मेडिकल से लाके कोई दवाइयाँ दे दिए बच्चे को, उसमें हाई डोज होने का खतरा रहता है। तो प्लीज आप खुद से दवाइयाँ बच्चों को ना दें, अपने डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से चेक करा के ही दवाई दें और दवाई का पूरा कोर्स कम्प्लीट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाई ग्रेड फीवर होने से बच्चे को फिट्स, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं, ये होने का खतरा होता है। ये हाई ग्रेड फीवर होने से बच्चों में 5 साल के अंदर के बच्चों में बहुत देखा जाता है। इससे कोई बच्चे माँ बाप को पैनिक नहीं होना है, इसे हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं क्योंकि बुखार की वजह से होता है। और ये हमेशा उनके पेरेंट्स से कनेक्टेड रहता है, जिससे उनके फैमिली में ऐसा होता रहता है तो बच्चों को भी होने का खतरा रहता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को जैसे फीवर हो आप डॉक्टर को दिखाएं और टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ने दें, ज़्यादा वेट ना करें। और मैं अपने क्लिनिक में देखता रहता हूँ कि मम्मी पापा आते हैं या पेरेंट्स लोग आते हैं तो बोलते हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। यस, बिकॉज ऑफ फीवर बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोशिश करिए बच्चे को लिक्विड इनटेक, जैसे पानी बार बार पिलाते रहें, थोड़ा खाना खिलाते रहें, बिस्किट खिलाते रहें ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो और कमजोरी ना हो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।